और ईद उल फितर पर भी शहरियों को लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ेगा। ईद उल फितर पर शहरों और देहाती इलाकों में लोड शेडिंग जारी रहेगी। वजारत पानी बिजली की हिदायत पर शहर में शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग होगी। मजीद जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी, ईद उल फितर के तीनों रोज़ शहर में और इसके साथ साथ दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहेगा। वजारत पानी बिजली की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत दीगर जो तंसीमकार कंपनियाँ उनको किसी भी किस्म की अभी तक अहकाम या हदायात जारी नहीं की गई कि ईद उल फितर के तीनों रोज़ जो हैं उनको शहर और तमाम अजला जो हैं वो बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना उनको करार दिया जाए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बात की जाए तो 2200 मेगावाट जो है बिजली फराम की जा रही है, जबकि डिमांड जो है वो 3800 मेगावाट है। इस तरह 1600 से 1700 मेगावाट वार्ड का शॉर्टफॉल होने की वजह से शहर में 6 घंटे और दही इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ईद उल फितर के तीनों रोज जो रमजान मुबारक में बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया था कि 37 सेक्टर को रात के औकात में बिजली की फराहमी मुअत्तर रहेगी, तो उसी तरह शाम 6:30 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक जो है इंडस्ट्री को बिजली नहीं फराहम की जाएगी, जबकि घरेलू सार्फिन को 6 घंटे लोड शेडिंग करके बिजली फराहम की जाएगी। जी।